नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बैठे थे सहाबी ने आके सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल जी मतस्सा क्यामत कब आएगी, क्यामत कब आएगी? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू क्यामत का पूछ रहा है, वह हका आए अल्लाह के बंदे, तू ये तो बता तूने उस क्यामत के लिए तैयारी क्या की हुई है, क्यामत का तू पूछ रहा है उसकी तैयारी क्या की है? तो वो क्या जवाब देता है, मातला मैंने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल से सिर्फ मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल जी और तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया सुन ले, अगर तुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो क्यामत वाले दिन उस आदमी का हशर वही उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है, अलमर मामन अहब्बा, आदमी उसी के साथ खड़ा होगा, उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता था। क्या ख्याल है, इमाम अंबिया के तौहीद वाले झंडे के नीचे खड़ा होना है? नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, आना सैयद वल्द आदम लिवाउल हमद बेदैया के बेअदी के तौहीद वाला लिवाउल हमद, तौहीद वाला झंडा मेरे हाथ में होगा, तो उस तौहीद वाले झंडे के नीचे खड़ा होना है तो हमें अल्लाह से दोस्ती करनी चाहिए, अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहिए। क्या ख्याल है, जब अल्लाह से दोस्ती जुड़ जाए अल्लाह बेवफाई करेगा नहीं, कभी भी तसव्वुर नहीं हो सकता।